बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या फिर एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल मीन्स एक यूनिट में कितने होते हैं, ओके, एक यूनिट में कितने एटम्स या फिर लैटिस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये जो हमने एक यूनिट सेल बनाई है, ऐसी ही एक हमारी यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ होगी और एक नीचे होगी। मीन्स एक जो यूनिट सेल है वो हम किसी भी क्रिस्टल का एक बीच का पॉइंट लेते हैं, उसके आसपास भी क्या रहती हैं, हमारे पास क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने एक लिया है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। देखो किस टाइप से ड्रॉ होगा, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हमारे पास इस टाइप से हो गया, ठीक है, ये ओके। अगर हम इसके बगल में ड्रॉ करें तो किस टाइप से ड्रॉ होगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से ये हमारे पास क्या रहती है, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये हो गई हमारी, ओके, इस टाइप से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि कॉर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी होगा इस टाइप से, ये तो ये जो हमारे पास एक एटम होता है वो डिवाइडेड होता है वन एटम इंटू वन अपॉन एट टाइम्स, ठीक है, इतने टाइम्स की जो अदर हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उनमें डिवाइडेड रहता है, ठीक है। और कितने कॉर्नर्स यहाँ पर, कितने एटम्स होते हैं हमारे पास, कॉर्नर्स पर एट होते हैं, ठीक है, इंटू एट कर दिया, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एचसीसी की कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, टोटल लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल, ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दिया है, ओके। किसका फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले एचसीसी का, ठीक है, तो किस टाइप से फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया है कि ये जो एक यूनिट सेल है इसके बगल में भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो बात अगर हम एक एटम की करते हैं तो यहाँ पर जितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो कितने कॉर्नर्स है हमारे पास, एट है, और बात कितने की कर रहे हैं, एक एटम की कर रहे हैं, तो ये कितनी बार डिवाइडेड हो जाएगा, एट टाइम्स डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर टोटल वन आएगा, हमारा एक एटम रहता है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट, ओके। उसके बाद बात करते हैं बीसीसी की, ठीक है, तो बीसीसी में हमारे पास कहाँ रहता है, कॉर्नर्स पर तो रहता है, तो 8 इंटू वन अपॉन 8 तो ये हो गया, प्लस एक कहाँ रहता है, बॉडी के सेंटर पर रहता है। अगर कोई चीज बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है तो उसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन किस में होगा, सिर्फ उसी एक चीज में होगा, ठीक है, वो यहाँ वहां फिर कहीं भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एटम रखते हैं, इतना बड़ा ये मान लीजिए हमने एक एटम रख दिया है, ठीक है, तो ना तो ये इस वाले हमारे यहाँ पर जो क्रिस्टल है उससे अटैच हो रहा है, ना इससे, ना इससे, ना इससे, कहीं से भी अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, वन, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब बात करते हैं एफसीसी की, ठीक है, तो एफसीसी में भी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट तो होते ही है, ठीक है, तो ये 8 इंटू वन अपॉन 8 तो हो ही जाएगा, प्लस फेसेस में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस टाइप से, अगर हम कोई लैटिस बनाते हैं, ये हमने एक लैटिस बना दिया, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर भी एक हमारे पास लैटिस होगा ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से अगर हम बनाते हैं तो एक फेस कितने फेसेस से अटैच हो रहा है, ये से और इस से, ठीक है, मीन्स ये दो फेसेस से अटैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, 6 इंटू 1/2, तो ये हमारे पास यार कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। तो इस टाइप से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास। अब बात करते हैं एजेस की, ठीक है, एजेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एजेस हमारे पास ये होती हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये कितनी होती है, 4 होती हैं, ठीक है, तो 1/4 इंटू एजेस कितनी होती है, 12 होती है, तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें भी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर प्लस 1 किए देते हैं, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से आपको इनके लैटिस पॉइंट्स याद रखने हैं, एचसीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है, और एजेस पर भी 4 होता है, ठीक है। ये आपके कहाँ पर काम आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं, ओके। करते हैं एंड सेंटर की, ठीक है, अगर हम एंड सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर्स पर प्रेजेंट तो होंगे, तो कॉर्नर्स का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ अपोजिट फेजेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कितने, 2 फेजेस पर प्रेजेंट है, तो 1/2 × 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर इक्वल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर फाइंड करते हैं।